छत्तीसगढ़ सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके बाद सभी राजनीति पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। इसी को लेकर कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक 12 अक्टूबर को नई दिल्ली में बुलाई गई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केसी वेणुगोपाल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रभारी कुमारी शैलजा और दीपक बैज मौजूद रहे। सीईसी की बैठक में कांग्रेसी प्रत्याशियों के चयन को लेकर चले मंथन पर डिप्टी सीएम सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी 90 सीटों पर चर्चा हुई है, एक दो दिन में अंतिम स्थिति सामने आ जाएगी। 90 पे डिस्कशन रहा, कोई ऐसा सीट हो ही नहीं सकता जिसमें डिस्कशन ना हो, पूरी जानकारी रखी गई है। और जैसा शैलजा मैम ने बताया, आपको एक दो दिन के अंदर फाइनल स्थिति सामने आ जाएगी। ये बात आज तो नहीं हुई, तो मेरे मन में अभी भी वो बात है कि शायद हो सकता है कि इसको देखेंगे। टाइम बहुत कम है, 7 तारीख को जो चुनाव है पहले फेज का, तो वो 20 सीट पे प्रेशर है जल्दी करने का। 90 में राय चल रही है, 90 में कॉमन राय, पैनल है तो भी, सिंगल है तो भी, दो नाम है तो भी, सर्वे करना है तो भी, सबकी सहमति से होगा।